I think we should be all prepared now. नमस्ते, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्राची मलिक है और मैं सेव द चिल्ड्रन में डोनर कम्युनिकेशन मैनेज करती हूँ। मैं सेव द चिल्ड्रन में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ और ये बात मुझे बहुत खुशी देती है कि मैं बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ आप जैसे डोनर्स की मदद से। आई होप आप और आपकी फैमिलीज सब हेल्दी हैं और सेफ हैं। सबसे पहले मैं आप सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ ये विजिट अटेंड करने के लिए। आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला बच्चों के लिए, उनसे मिलने के लिए, और ये हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है। आपको जान के खुशी होगी कि ऑन ग्राउंड हम कोविड रिलीफ के अंडर हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। आज हम साथ में ये देखेंगे कि किस तरह से आपकी मदद से टी गार्डन के बच्चे और उनके फैमिली मेंबर्स हेल्थ फैसिलिटीज एक्सेस कर पा रहे हैं। दिस इज अ शॉर्ट ग्लिम्स ऑफ आवर वर्क इन असम। क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने कमेंट्स और क्वेश्चंस साथ में जो चैट बॉक्स है उसमें प्लीज लिख दीजिएगा और Q&A सेक्शन में लिख दीजिएगा। हमारी टीम आपको उससे रिस्पॉन्ड करेगी। हम ये विजिट रिकॉर्ड भी कर रहे हैं उन डोनर्स के लिए जो ये विजिट आज नहीं कर पा रहे। आपको ईमेल पे हम पूरी विजिट फिर से भेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस विजिट को। मैं स्वागत करना चाहती हूँ ज्योति गांधी का, जो कि सेव द चिल्ड्रन में हेड ऑफ इंडिविजुअल गिविंग है और बच्चों के लिए बहुत ही शिद्दत और पैशन से काम करती हैं। आप लोगों को पहले भी उनसे कई कम्युनिकेशन आए होंगे ईमेल्स पे और डिफरेंट तरीके से। सो लेट्स गिव अ फेस टू दिस नेम। ओवर टू ज्योति। Thank you so much, Prachi, for this introduction. First of all, thank you everyone for joining in today. I think 45 minutes we spend karna from your regular day is very, very difficult these days. So thank you so much for joining our virtual visit.
पैशन और शिद्दत से हम सारे लोग ही काम कर रहे हैं सेव द चिल्ड्रन में. आई एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन एंड यू नो वन ऑफ द फेसेस ऑफ मेनी मेनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड टायरलेसली. जैसे कि प्राची ने आपको बताया कि मैं इंडिविजुअल गिविंग टीम को हेड करती हूँ. काफ़ी सारी कम्युनिकेशन में आप देखते होंगे मेरा नाम. सो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से आज वर्चुअली मिलके. पिछले 4 साल से मैं सेव द चिल्ड्रन में कार्यरत हूँ और इन 4 सालों में पेंडेमिक से पहले हमने काफ़ी सारी फिजिकल विजिट्स करी हैं हमारे बहुत सारे प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट्स में जहाँ पे डोनर्स ने फिजिकली आके इंटरेक्ट करा है हमारी टीम से हमारे बच्चों से. सो पेंडेमिक ने पूरा काम करने का तरीका बदल दिया है, सब कुछ वर्चुअल कर दिया है. तो हमने सोचा जब हमारा काम चल रहा है ग्राउंड पे तो ये विजिट्स क्यों बंद होनी चाहिए, तो कोई ना कोई तरीका हमें निकालना चाहिए, एक इनोवेटिव तरीका जिससे हम आपको अपने ग्राउंड पे लेके जा सकें, दिखा सकें कि आपकी जेनरस डोनेशन से सेव द चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए और कम्युनिटीज के लिए कितना काम कर पा रहा है. इससे पहले कि हम आसाम चलें ये भी एक्नॉलेज करना चाहेंगे कि 2 साल इस पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत डिफिकल्ट रहे हैं ड्यू टू कोविड. एंड आई थिंक जो सेकेंड वेव थी स्पेशली द डेल्टा वेव जिससे हम अभी उभरे थे और हमें तीसरी वेव की चपट में आ गए, काफ़ी तबाही मचाई डेल्टा ने. हम सब ने बहुत सारे लोगों को खोया है और बहुत सफ़र किया है. उस समय भी, उस इतने मुश्किल के समय में भी आप जैसे काइंड पैशनेट कंपैशनेट जेनरस डोनर्स ने डोनेशंस दे के हमारे काम को कंटिन्यू रखा है. और ये आपके बिना हो ही नहीं पाता क्योंकि जब तक आप डोनेशन नहीं देंगे हम ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे. सो इसलिए बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद, ना सिर्फ हमारी और हमारी टीम की तरफ से बट पूरा सेव द चिल्ड्रन जहाँ पे भी इंडिया में काम कर रहा है और वो सारा काम वो सिर्फ आप लोगों की वजह से कर पा रहे हैं. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. एंड विदाउट मच अडो आई वुड लाइक टू टेल यू द एजेंडा ऑफ टुडे. हम आज आपको लेके जाने वाले हैं आसाम के लेपटकट्टा टी स्टेट में जो कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है. और आप देख पाएंगे इस लाइव विजिट के द्वारा कि किस तरह से टी गार्डन कम्युनिटीज का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव कर पाए हैं आप लोग. इट्स ऑल अबाउट यू, बिकॉज ऑफ यू वी एग्जिस्ट एंड वी आर एबल टू मेक अ डिफरेंस. और एक हॉस्पिटल फैसिलिटी है जहाँ हम आपको लेके जाएंगे. सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपनी कुलीग जो कि असम स्टेट ऑफिस है जॉन, उसको इनवाइट करना चाहूँगी जो आपको एक लाइव झलक देंगी. एक झलक है सिर्फ हमारे प्रोग्राम की, बहुत छोटा सा पार्ट है और ये हम हर जगह कर रहे हैं इंडिया में. सो वी थॉट कि आज एक बहुत अच्छा टाइम है कि जॉन आपको असम में लेके जाएं इस ब्यूटिफुल टी कम्युनिटी टी एस्टेट में. सो ओवर टू यू जॉन, थैंक यू वेरी मच एंड आई विल स्टॉप हियर एंड गिव इट टू यू. Thank you, Jyoti, and good afternoon to everyone. Myself, John Paul Tirki, my district facilitator, Dibrugarh district, abhi dekh rekh kar raha hun. Main abhi Lepetkatta Tea State mein hun, jahan aapka 1000 se adhik permanent workers log kaam karte hai. Aur saath mein hume 5000 se adhik log rahte hai is chai bagan mein. Aur जो चाय बागान है ये ब्रिटिश जमाने के आने का बाद में स्टार्ट हुआ है और अभी हम लोग देखने जा रहे ये एक लार्ज टी प्लांटेशन है. और इस लार्ज टी प्लांटेशन में जो टी गार्डन का एक एक्ट है प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 उसके द्वारा ये चलता है. साथ में हम लोग इस गार्डन में कई सारा चीज देखने मिलेंगे जो न्यू बर्डिंग्स हम लोग का पिछले 4 डेकेड से हम लोग देखने मिल रहे हैं. कम से कम छोटा छोटा स्मॉल टी ग्रोअर्स भी इसका साथ में स्प्राउटिंग हो रहे हैं और ये छोटा टी गार्डन्स स्मॉल जो टी ग्रोअर्स रहते हैं वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं बड़ा टी गार्डन का साथ में. और उन लोग का जो प्रोडक्शन होता है टी गार्डन बड़ा वाला टी गार्डन में वो लोग सप्लाई देते हैं ग्रीन लीव्स और उन लोग का एक वेजेस मिलता है उसका विनिमय पर केजेस. तो पिछले हम लोग का 2014 साल से हम लोग सेव द चिल्ड्रन यहाँ पर शुरुआत जब किया तब हम लोग जो स्टडी किया था उस स्टडी में हम लोग का देखने मिला जब हम लोग का
चाय बगान में जो लोग रहते हैं वो लोग मेन स्ट्रीम से काफी दूर में है, क्योंकि वो लोग नॉर्मल जो कम्युनिटी हम लोग का रहते हैं विलेजेस, तो उन लोग का साथ में कंपटीशन अगर करे तो हम लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफी सारा लो है। तो हम लोग यहाँ चाय बगान में जब काम करने शुरू किया तो हम लोग सेव द चिल्ड्रेन, एक तो 2014 जब से शुरू किया तब से एक अच्छा चीज किया, जो हम लोग को विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी जो असम में जारी लगा हुआ है उसको पायनियर था, उसको स्टार्ट किया थ्रू असम स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी। और जो हम लोग का नेशनलाइज स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम उसका द्वारा, तो हम लोग जब शुरुआत किया तो कम्युनिटी बेस्ड मैकेनिज्म को ज़्यादातर सपोर्ट करने के लिए कोशिश किया इसमें। और हम लोग एडोलेसेंट क्लब्स का जो मेंबर्स है विशेष, तो हम लोग अभी बात भी करेंगे राधा कुर्मी जो यंग एडवोकेट है, उसको हम लोग काफ़ी तरह से ट्रेनिंग दिया, मीटिंग्स में उसको इंगेज किया, और अभी उसका कैपेसिटीज बिल्ड करके हम लोग यंग एडवोकेट कभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग या स्टेट लेवल मीटिंग्स होते हैं तो उस पर उन लोग का अपना वॉइसेस रेस करने के लिए एक मौका उन लोग को दिया जाता है। और ये काफ़ी सारा मीटिंग्स में उन लोग अटेंड किया है, पिछले हम लोग मीडिया एडवोकेसी वर्कशॉप प्रोग्राम रखा था उसमें भी उन लोग का अपना मुर्दा उठाया, मीडिया के पास में उन लोग बोला जो हम लोग का बच्चों लोग का क्या क्या इश्यूज है। तो अभी मैं जो टी गार्डन में हूँ, मैं अपना मेरा साथ में डॉक्टर विक्टर टॉपनो है जो इस टी गार्डन का सीनियर मेडिकल ऑफिसर है, उसको मैं जान पहचान कराना चाहता हूँ उससे। और हम लोग को वो लोग धन्यवाद देने चाहते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा मेडिकल इक्विपमेंट्स हम लोग यहाँ पर सप्लाई किया था, और वो लोग काफ़ी जब से हम लोग दिया तब से वो लोग स्टार्ट यूज़ करने के लिए वो लोग स्टार्ट किए हैं, और पेशेंट लोग काफ़ी बेनिफिट्स हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग डॉक्टर विक्टर के पास, और हम लोग उसका जो अनुभव है जो यूज़ कर रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स उसको थोड़ा सा दिखाएंगे। जॉन हम देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा अब आप देख पा रहे हैं। अगर आप अनम्यूट कर दें, हम सुन नहीं पा रहे आपको। हाँ। नमस्कार। हाँ। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय विक्टर टॉपनो लेबरकट्टा टी स्टेट का सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं यहाँ चार बस काम करते मैं जॉन पॉल तिर्की और तार राधा कुर्मी टीमक लग पाल और इंती मैं बहुत सहयोग सेकार मैं बहुत धन्यवाद दी विचार विशेषको इत आगते सेव द चिल्ड्रेन इतको गोटेक बहुत बहुत धन्यवाद ইহতে আমাক বহুতখিনি মেডিকেল ইকুইপমেণ্টছ দিছে যেনেকা পালছ অক্সিমিটাৰ আছে, থাৰ্মামিটাৰ, ডিজিটেল বিপি মিটাৰ, ষ্টিমাৰ, ৰেস্পিৰোমিটাৰ, ট্ৰলি, স্ক্ৰীন, বেড চাইড লকাৰ, এইখিনি বস্তু বহুতখিনি পোৱাৰ বাবে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ ছেভ দ্য চিলড্ৰেনক। আৰু এইখিনি বস্তু পাই আমাৰ যিটো কমিউনিটি আমাৰ কমিউনিটিৰ কাৰণে বহুত হেল্প হৈছে, বহুতে বহুত সুবিধাখিনি পাইছে যিখিনি সুবিধা আমি আগত পোৱা নাছিলোঁ। আৰু এইখিনি বস্তু পাই আমাৰ সুবিধা হৈছে আমাৰ পেচেণ্টকেইটাক চিম্পটমকেইটা জানিবলৈ, ইহঁতৰ ডায়গনচিছ কৰিবলৈ, লগতে ডায়গনচিছ কৰাৰ পিছতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ। আর এইখানে সুবিধা পায় মোর কমিউনিটি
परपा मोर कम्युनिटी आपन लोग बहुत धन्यवाद दिसे जाते हेतर स्वास्थ्य ভাল হৈ থাকক আৰু ভৱিষ্যতে হেতৰ হেলথ ভাল হৈ থাকক আৰু এই নতুন বছৰ গোটেই ধুনীয়াকে যাওক বুলি মই আৰু এবাৰ সেভ দা চিলড্ৰেনক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ডক্টর এন্ড আই নাও ওভার টু আজিম आजम आप हमें सुन पा रहे हैं हाँ हाँ सुन पा रहे हैं हेलो राधा नमस्ते सबको नमस्ते कैसे आप लोग हम लोग सब बहुत अच्छे हैं राधा आपको देख के बहुत खुश है आप लोग लग रहा है आज बताइए राधा आप हमें क्या बताना चाहते हैं नमस्ते मेरा नाम है मिस आगमी मैं असम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लपेटकरा टी गार्डन से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी क्लास 10 में पढ़ रही हूँ और मेरा हॉबी है डांस करना और गाना गाना और मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो है नर्स मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और मेरा दो बड़ा भाई है पापा लपेटकरा जो टी गार्डन ऑफिस में करते हैं मम्मी घर पर ही रहती है और बड़ा भाई मेरा कोलकाता जीएसटी ऑफिस में नौकरी करता है और छोटा भैया बीसीपीएल में नौकरी करता है और मैं अभी पढ़ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे मैं जब 2018 से ज्वाइन की हूँ सेव द चिल्ड्रन में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों ने मुझे इतना सहायता की है नई नई ट्रेनिंग दी के नई नई बातें सिखाई है और मैं वो बातें लेके मेरे एडुलेशन ग्रुप के साथ चर्चा करके कई समस्या सॉल्व कर करने पाई हूँ जैसे कि पहले हम लोग यहाँ पर चाल मेरे चाल लबर बहुत ज्यादा हो रही थी तब मुझे कुछ पता नहीं था कि चाल मैरिज होने के से हम किसके पास जाए किससे मदद ले और चाइल्ड लेबर हो गया तो हम किसको बताए कि एक बच्चा श्रम कर रहा है वैसे हम लोग इतना ध्यान नहीं देते थे जब हो रहा है तो कोई हमें मदद नहीं कर रहा था हम छोटे बच्चे हम लोग क्या कर पाएंगे लेकिन जब सेव द चिल्ड्रन ने हमको ट्रेनिंग देके समझाया कि अगर चाइल्ड मैरिज हो तो हम किसी के मदद ले सकते हैं जैसे कि सेव द चिल्ड्रन हम लोग को बहुत सारा मदद किया है हम बीएलसीपीसी कम्युनिटी के साथ भी चर्चा करके वो चाइल्ड मैरिज रोक सकते हैं या एक बच्चे को श्रम करने से हम रोक सकते हैं इतना हम लोग का अधिकार है और हमारा जो बच्चों का अधिकार है वो भी मुझे भी पता नहीं था हम एक छोटे बच्चे को भी अधिकार होता है और हमारा अधिकार के बारे में पता चला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गार्डन में मैं इतना सब कुछ काम कर पा रही हूँ हर बच्चे को एडुकेशन को और आगे बढ़ा पा रही हूँ वैसे पहले बहुत ड्रॉप आउट हो गए थे बच्चे अब ड्रॉप आउट भी कम गया है लेकिन अगर सेव द चिल्ड्रन आगे हम लोग का साथ दे तो हम और सारे बच्चे को हम सहायता कर सकते हैं जैसे कि मेरा एडुलेशन ग्रुप है एडुलेशन ग्रुप के साथ मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकती हूँ या भी एलसीपीसी मुझे मदद बहुत सारे मदद की है फिर भी अगर सेव द चिल्ड्रन ऐसे ही काम करते रहे हम लोगों के साथ हम लोगों को सपोर्ट करे तो भी एलसीपीसी के साथ भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और मेरे पास मेरे एडुलेशन ग्रुप का मेम्बर भी है आप लोग देख सकते हैं ये है ये लोग भी मेरे साथी हैं मेरे साथ ही काम करते हैं सेव द चिल्ड्रन में एडुलेशन ग्रुप के मेंबर है ये लोग और इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है जब हम फील्ड में जाते हैं बच्चों के साथ चर्चा करते हैं नई नई बातें नई नई सोच किसी की कोई प्रॉब्लम होती है एक साथ बैठ के जब हम पता चलता है कि नहीं एक बच्चे का ऐसा समस्या हम कैसे समाधान करें सर लोग के साथ हम चर्चा करते कि नहीं सर आज ऐसा एक जगह में क्या हमारे टीका चैलेंज होने जा रहे हैं हम लोग कैसे किसके मदद ले तो सब लोग हमें बताते हैं कि नहीं हम लोग बीएलसीपीसी कम्युनिटी के साथ हम काम कर सकते हैं और मैं सेव द चिल्ड्रन को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि हमें बहुत मदद मिली है एजुकेशन को और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग ऐसे ही हमें आगे चलने के लिए सपोर्ट करें तो और थोड़ा आगे हम लोग बढ़ सकते हैं क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं बहुत प्ले है हम लोग कभी कभार हमें दिक्कत भी होती है उन लोगों को समझाने के लिए अगर भी एलसीपीसी रहेगी आप लोग अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो
मुझे लगता है कि हर बच्चे एजुकेशन को और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा मेरा जो एरिया है डेवलप होगी, यही मेरी आप लोग के साथ बताने वाली बात है और मैं यही बोल के धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा राधा सुन के। आप क्या बनना चाहते हो? मेरा लक्ष्य है नर्स। नर्स बनना चाहते हो? अरे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और समाज में नई नई बातें या लोगों से सीखने वाली या नई नई कुछ करने का मेरा बहुत अच्छा लगता है समाज में बैठ के, जैसे कि एडुकेशन ग्रुप में भी एलसीपीसी के लोग के साथ नई नई कुछ बातें सीखनी उन लोगों से, या नई नई हम लोग उन लोगों को कुछ ट्रेंडिंग, जैसे कि मैं कुछ आज ट्रेंडिंग लेके आई सेफ्ड चिल्ड्रन से, तो मिला तो मैं बच्चों के साथ चर्चा करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ समस्या होती है तो अगर कुछ बच्चों का ड्रॉप आउट हो गया है हम उसे कैसे समाधान करें वो चर्चा करके बहुत अच्छा लगता है, और फील्ड में काम करने के लिए मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है सेव द चिल्ड्रन के साथ। थैंक यू सो मच राधा, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, आपकी सब सहेलियों से को देख के भी अच्छा लगा। हेलो टू एवरीबॉडी, सबको सबको हमारी तरफ से नमस्कार और सबकी तरफ से हेलो। आप अपना नाम तो बताइए, नाम तो बताइए। नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती असम। नमस्ते, मेरा नाम है बनासी मुड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है श्रीमती वंदना मुड़ा। नमस्ते, मेरे नाम है संध्या मुड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है गोकुल मुड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है प्राची। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और यहाँ पे बहुत सारे डोनर्स हैं जिनकी वजह से हम लोग ये सब कुछ कर पाए हैं, उनकी तरफ से भी मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड अब हम राधा अब हम बात करेंगे वीएलसीपीसी कमेटी से, तो अब हम मनु कुर्मी से बात करेंगे जो भी फील्ड में है अभी। ओवर टू मनु कुर्मी। ओवर टू मनु। थैंक यू अजिंदा। मेरा नाम मनुकुर में, मैं डिब्रूगढ़ लेपेटपटा की रहने वाली हूँ और हम लोग का यहाँ 2019 से वीएलसीपीसी फॉर्म हुआ है, साथ ही एडुलेशन भी फॉर्म हुआ है। तो बताएंगे कि हम लोग कैसे क्या चल रहा है, हमें अभी तक क्या क्या मिला है और क्या क्या जरूरत है। नमस्कार, मैं लिपटकटा सावरगृह से चाय बागान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्री मंगल कुर्मी है, मैं पीयू सुरक्षा समिति का मेंबरशिप हूँ। अभी मेरा यहाँ में जो काम हो रहा है हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का जो लिपटकटा चाय बागान का एरिया बहुत बड़ा है, तो फिर भी काम जो हो रहा है तो बहुत काम रह गया है। अगर हम लोग कहीं हमें फिर थोड़ा और प्रोग्राम बना करके करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी चैलेंज भी हो रहा है, मतलब हम लोग तो रोक दिया है उन लोग को। और आपका जो चाइल्ड लेबर अभी तो कोविड का दिल्ली में छुट्टी से कोई कोई लड़का सब भाग कर इधर उधर चला जाता है काम के लिए, तो वो भी रोकना जरूरी है। हम लोग जो जिसको जिसको मिलता है रोक देता है, ऐसे तो हम लोग पता नहीं चलता है उन लोग को, तो हम लोग रोक नहीं सकता है ना, इसलिए यहाँ में प्रोग्राम होने के लिए फिर भी और जरूरी है, यही मेरा कहने वाला। मैम, मैं और कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि वीएलसीपीसी मेंबर ने बताया कि हम लोगों का यहाँ चाइल्ड मेरे चाइल्ड लेबर होते हैं। 2021 का अगस्त महीने में हम लोगों का यहाँ ट्रैफिकिंग हुआ था और ट्रैफिकिंग ऐसे फंस गए थे कि उसके पिताजी ने ही उसको बेच दिया था दूसरों के साथ, जो अरुणाचल प्रदेश में ले जाने का प्लानिंग था। लेकिन हम लोगों का यहाँ जो वीएलसीपीसी है प्लस सेव द चिल्ड्रेन का जो मेंबर्स है उन लोगों के साथ मिल के, हम लोग पुलिस के साथ मिल के प्लस हम लोग डीएलएस से डीसीपीओ के साथ बातचीत करके हम उसको ले आए। तो ऐसे ऐसे घटनाएं काफी सारा होता है। हालांकि हम लोगों का अभी हम लेपेटकटा में है, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे चार डिवीजन है, लेपेटकटा, देवानबाड़ी, मेदेला और बोलाई कहके चार डिवीजन है। तो बहुत काफी सारा बड़ा मतलब गार्डन है, तो हम लोगों का ये संभालने के लिए
थोड़ा दिक्कत होती है, जैसे कि हम लोग अभी लेपेटकटा में है, वहां जाके हो गया कुछ चाइल्ड, मेरे चाइल्ड लेबर ट्रैफिकिंग जो कुछ हो गया, तो हमें कभी कभार पता चलता है, कभी कभार पता ही नहीं चलता है, तो इसमें से थोड़ा दिक्कत होती है। अगर सेव द चिल्ड्रेन हमें सपोर्ट करें, हमें अवेयरनेस की जो सुविधाएं है वो सुविधाएं दे, तो शायद हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। हमें पता है कि अभी हम काम करेंगे और अभी हमको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। हम कल जाके मिलेंगे, परसों जाके उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हमें ये जरूरी है कि आज जो करें अच्छे से करें, अच्छे से आगे बढ़े, और ये जो आज जो हम करेंगे वो जाके आगे इफेक्ट हो और बच्चे समझे, और जो गांव के लाइन के रहने वाले हैं, क्वार्टर्स के रहने वाले, वो लोग समझे कि हम एक बच्चे को कितने साल में हमें शादी देना चाहिए, या फिर कितने साल के बच्चे काम करना चाहिए। तो ये सब हम लोगों को समझने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि माँ पिताजी तो सुबह ही काम चला जाते हैं, शाम को घर आता है, बच्चे स्कूल गए नहीं गए, ये सब नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमें काफी सारा, बहुत सारा प्रोग्राम और अवेयरनेस की जरूरत है। थैंक यू मैम। मनु, दिस इज ज्योति। एक तो जो तुमने बताया अभी रेस्क्यू स्टोरी ट्रैफिकिंग की, मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल है। सोच भी नहीं सकते हम लोग यहाँ पे बैठ के कि कैसे तुम लोग ये करते हो इतनी छोटी सी उम्र में। तो मैं सोच रही थी तुमसे पूछूं कि कभी डर नहीं लगता, इतनी ब्रेव हो तुम। ये काम आसान काम नहीं है, क्योंकि काफी पावरफुल लोग होते हैं जो ट्रैफिकिंग का काम करते हैं, पुलिस भी कई बार सपोर्ट करती है नहीं करती है। तो कभी ऐसा लगा, कोई डर आया कभी मन में? बिल्कुल नहीं। हाँ मैम, डर तो लगता है, लेकिन फिर जॉन सर है, हमारे टीम है, वीएलसीटीसी है, एडोलेसन है, हम सबके साथ चर्चा करते हैं क्या करने से अच्छा होगा। और इससे पहले और भी चाइल्ड मैरिज केसेस हुए हैं, जो एक आदमी एक छोटे बच्चे को मतलब भगा कर ले गए थे, तो वो भी, और पुलिस के साथ भी बातचीत। कभी कभार ऐसा होता है, हर पुलिस ऑफिसर एक जैसे नहीं होते, जैसे कि हम सोचते हैं पुलिस होने से हमें मदद मिलेगा, ऐसे नहीं होते, पैसे मांगते हैं। तो इन लोगों से डील करना तो पहले मुझे नहीं आता था, लेकिन आप थोड़ा बहुत जान पाती हो, प्लस हम लोग का और भी मोबिलाइजर है, उन लोगों से हमें चर्चा करते हैं कि अगर उसके बागान में, उसके गार्डन में अगर ये होता है, ऐसे प्रॉब्लम होते, तो कैसे डील करते, किसके साथ जाते हैं, किसके साथ बात करते हैं, ये सब हम लोग चर्चा करते हैं। डर तो लगता है, मुझे तो काफी बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उस बच्चे को हम जब रेस्क्यू करेंगे तो मैं भी फोकस में आऊंगी ना, कौन था वो था वो बीएलसी से मेंबर थे या फिर एडोलेशन, बाद में जो दिक्कत होगी इसे सोच के मुझे डर लगता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं एक, पहले तो मैं एक इंसान हूँ जो सही है, उसे सही करना है, चाहे उसका रिजल्ट जो भी आए, लेकिन उसे तो सही है तो सही करना ही है। दूसरा, हम लोग सेव द चिल्ड्रेन में है ना, बच्चे को सुरक्षा देना हमारा काम है, तो ये भी सोचती हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ, रिजल्ट चाहे जो भी आए, लेकिन मुझे करना है तो करना है, क्योंकि ये मेरा काम है। तो पहले तुम्हारी ये बात सुन के हमें कितना इनकरेजमेंट मिल रही है, मतलब तुम इतनी ज्यादा ब्रेव हो, अंदर से शायद डर लगा होगा, लेकिन तुम्हें तो नाइटिंगेल का अवार्ड मिलना चाहिए, जैसे वर्ल्ड वॉर में होते थे, लोगों को रेस्क्यू करती थी। हाँ, लेकिन सपोर्ट तो सभी करता है, हम तो अकेले कभी कर नहीं सकते हैं। जैसे कि 1098 में कॉल करते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पुलिस के साथ जब हम बात करते हैं तो मैं तो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि चाहिए होता है ना। तो ये मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ सेव द चिल्ड्रन की तरफ से कि बहुत बहुत बधाई ये सब रेस्क्यू का काम करने के लिए, और बहुत सारी स्ट्रेंथ और पावर तुम्हें, हमारा सपोर्ट तुम्हें कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, और ये अच्छा काम करती रहना, ताकि हम जैसे लोग यहाँ पे बैठ के तुम्हें हमेशा इनकरेज करते रहें और सपोर्ट करते रहें। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ पावर टू यू। थैंक यू मैम। I just wanted to add, I'm inside the hospital, so I want to show a patient where we are using the materials, the equipments which are being used. So doctor is here, and these are the equipments which are used for patients. And there are two COVID patients which we cannot go there, so these are restricted here. So these are the equipments and the
stands which are used in the hospitals. So thank you. I can over to. Thank you, John. Thank you. मुझे तो बस ऐसा मतलब आई एम सो ओवरवेल्म राइट नाउ. मुझे बिल्कुल मतलब बिल्कुल स्पेशली मनु की बातें सुनकर, उसके बाद राधा की बातें सुनकर, जॉन की बात सुनकर, अभी हॉस्पिटल का देखकर कि कितनी मदद की जरूरत है और कितना जरूरी है हम सबके लिए खड़े होना इस टाइम पर और मदद करना लोगों की. एंड आई जस्ट फील सो ओवरवेल्म्ड एंड सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ द डोनर्स हियर बिकॉज ऑफ आप लोगों की वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं और वरना अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम ये नहीं कर पाते. सो आई मीन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल. सेव द चिल्ड्रन इज वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. आई मीन इन दिस विजिट आई थिंक व्हाट रियली स्टूड आउट, मतलब जो मैं मुझे एकदम लगा कि वाह, मतलब जैसी जिस तरीके से राधा बोली है, उनका जो कॉन्फिडेंस था, जिस तरह वो बात कर रही थी, कोई नहीं बोल सकता 10वीं क्लास की लड़की है इतनी अच्छी तरीके से, इतने अच्छा राधा ने बोला. उनकी समझ, उनकी सूझबूझ और जो वो समझ पा रही है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, वो खुद बोल रही है, वो खुद एडवोकेट कर रही है कि हमको ये नहीं करना, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट वो बोल रही है. आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग फॉर समबडी सो यंग, इतनी छोटे उम्र में ये सब चीजें समझना, सीखना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना. जिस तरह राधा ने बोला कि मैं फील्ड में जाकर खुद इस सब के बारे में बात करती हूँ, समझाती हूँ. सो आई मीन दैट वाज आई थिंक अ वेरी प्राउड मोमेंट. एंड स्पेशली जैसे मनु ने बताया कि कैसे मतलब छोटे हैं, उसके बाद भी ये सारी चीजें बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि और ये अंदर से आता है क्योंकि आप बच्चों के लिए काम कर रहे हो, आपको करना है और आप चाहते हो सब चीजें ठीक करना. तो आई थिंक दीज आर थिंग्स विच यू टेक बैक विद यू. दीज आर थिंग्स व्हेन यू सी कि हाँ आप सपोर्ट कर रहे हो, वो अच्छी जगह जा रहा है, आप एक कुछ आप रोक पा रहे हो, चाइल्ड मैरिज आप रोक पा रहे हो, चाइल्ड लेबर को कहीं ना कहीं आप रोक लगा पा रहे हो, लोगों को अवेयर कर पा रहे हो. तो आई थिंक एंड उसके सबसे बड़ी बात कि उसके बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस आ रहा है. सो आई थिंक दैट इज वॉट वॉज द हाईलाइट ऑफ द विजिट फॉर ऑल ऑफ अस हियर टू बी एबल टू सी दिस इम्पैक्ट दैट वी हैव बीन एबल टू क्रिएट टूगेदर विद यू. सो आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी. आई वॉन्ट टू मैं सबसे ऑल्सो बिग थैंक यू जैसे जॉन को भी मैं बोलना चाहती हूँ. जिस तरह आपने अभी हमको दिखाया, इट वॉजेंट अ वेरी गुड साइट कि कोई पेशेंट वहाँ पे लेटे हुए हैं और उनका मतलब आई जस्ट होप ही रिकवर्स वेरी सून, बट द फैक्ट दैट वी वर एबल टू प्रोवाइड दैट इक्विपमेंट एंड वी आर एबल टू ट्रीट समबडी, आई थिंक वो बहुत मतलब वो चीज वो समथिंग विच टच्ड मी आई थिंक. एंड वी वॉन्ट टू कीप डूइंग दैट ऑलवेज. सो आई वॉन्ट टू थैंक्स टू ऑल द फ्रंटलाइन वर्कर्स. मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो इस महामारी के टाइम पर रिस्क लेके बच्चों की हेल्प करते हैं. थैंक यू जॉन, थैंक यू मनुकुर्मी, थैंक यू अजिम, थैंक यू राधा, थैंक यू टू द एंटायर प्रोग्राम्स टीम ऑन ग्राउंड एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल आर डोनर्स अगेन फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट. हम आपको ऐसी ही विजिट्स कराते रहेंगे और इस बीच हम ऑन ग्राउंड आपको बताते रहेंगे कि क्या चल रहा है. और जैसे हमने आज विजिट करी, ऐसी बहुत सारे एरियाज है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं और धीरे धीरे हम दिखाएंगे. तो प्लीज जस्ट आप हमारे वेट करिए, हमारे मेल्स का, हमारे मैसेज का. हम सोशल मीडिया पे भी अपडेट करते हैं. हमारी डोनर कम्युनिटी है सेव द चिल्ड्रन में, डेफिनेटली प्लीज आप ज्वाइन करिएगा. और इस विजिट का फीडबैक प्लीज अगर आप चैट में एक लिंक है उस पर ड्रॉप करिए, उससे हमें पता चलेगा कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या आप और देखना चाहते हैं जिससे हमें फ्यूचर में विजिट ऑर्गेनाइज करने में और मदद मिलेगी. सो एनी क्वेरीज एंड कंसर्न्स प्लीज मेल कीजिए. वो अगेन हमारे ईमेल आईडीज आपको चैट पर मिलेंगे. तो ज्योति गांधी @savethechildren.in, जैसे आप ज्योति से अभी मिले हैं ये उनका ईमेल आईडी है, और प्राची @savethechildren.in. तो आप प्लीज डेफिनेटली हमें रीच आउट करिए, कुछ भी बात हो वी आर रेडी टू टॉक टू यू अबाउट इट, वी आर हैप्पी टू टॉक टू यू अबाउट इट, रादर वी वेट टू टॉक टू यू अबाउट थिंग्स. सो या एक बार फिर से थैंक यू. आई होप यू क्लोज प्राची, आई वांट टू जस्ट कम इन फॉर वन मिनट. यस ज्योति. यूजुअली हम विजिट्स में क्या देखते हैं, मतलब डोनर्स अगर यहाँ पे रिपीट डोनर्स भी आए हैं, स्कूल में होता है या फिर कहीं और फैसिलिटी में होता है, तो हम बहुत कुछ आपको और भी दिखा पाते हैं. स्कूल में क्या टूल्स यूज होते हैं, क्या टेक्निक्स यूज होती है, क्योंकि एक हॉस्पिटल विजिट है, प्राइवेसी ऑफ पेशेंट्स इंपॉर्टेंट है. और कई बार ऐसी चीजें देख के शायद बहुत प्लेजेंट फीलिंग नहीं होती, कोई कोविड पेशेंट है, प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं. सो दिस विजिट मे नॉट बी वेरी विजुअली सेटिस्फाइंग,
कि हम आपको हर एक यू नो पेशेंट के पास ले जा पाए, उनके लिए भी शायद इतना कोई ग्रेट नहीं है कि उनको दिखाया जा रहा है वीडियो पे, उनकी प्रिवेसी में इंटरफेरेंस होती है, बट आपको बस एक झलक दिखाने के लिए कि सेव द चिल्ड्रन आसाम के एसटी स्टेट में किस तरीके का काम कर रहा है हॉस्पिटल फैसिलिटी में. सो आई थॉट आपको ये क्लैरिफाई कर दे, बिकॉज ये विजिट क्योंकि हॉस्पिटल में थी थोड़ी डिफरेंट प्रकार की थी जो हमारी नॉर्मल स्कूल्स में या और जगहों पर होती है. सो जस्ट दैट. सो थैंक यू सो वेरी मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन मेनी मेनी मोर विजिट्स दैट वी डू इन द कमिंग टाइम्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीवन.